सामने से आ रही है ट्रेन और मैं भी जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ। देखते हैं कौन जीतेगा इस टक्कर में। ऑब्वियसली ट्रेन जीतेगी, इसलिए मैं साइड हट चुका हूँ। तुम लोग सोच रहे होगे गाइस मैं ये कहाँ पर हूँ। मैं एक्चुअली मैं आया हूँ भाई थॉर के पास। अब ऑब्वियसली तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि भाई थॉर तो एवेंजर्स के घर पे होगा, यहाँ कहाँ से थॉर। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले हम लोगों ने गाइस थॉर की बाइक चुरा ली थी। कोई एवेंजर घर पे था नहीं, थॉर अकेला था, सो रहा था मजे से। हम लोग गए उसके घर, उसकी बाइक ढूंढी, बाइक उठाई और लेके आ गए। सिंपली ये किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। तो उसकी वजह से थॉर अब काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ चुका है और इसीलिए उसने अवेंजर्स के घर को छोड़ने का फैसला कर लिया है। और इसीलिए गाइस अपनी गाड़ी को बचाने के लिए वो आ चुका है एक आइलैंड की तरफ। यस, उसे लग रहा है वो किसी दूसरे आइलैंड पे जाके छुप जाएगा अपनी गाड़ी लेके, तो वो अपनी गाड़ी मुझसे बचा लेगा। बट ये उसकी एक गलत फहमी है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसकी गाड़ी मैं चुराऊंगा और बिल्कुल चुराऊंगा, तुम लोग बस देखते जाओ। उसे लग रहा है कि अवेंजर्स से दूर आके और इस आइलैंड पे आगे जाके छुप के उसने बहुत ही ज्यादा दिमाग चला लिया है। एक्चुअली में वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है उसकी, क्योंकि एवेंजर्स के घर पे होता और सारे एवेंजर्स आजू बाजू हो जाते तो गाड़ी चुराना बहुत ही मुश्किल होता। लेकिन अभी फिलहाल थॉर अकेला है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसकी गाड़ी चुराने वाला हूँ। वैसे तुम लोगों को मैं बता देता हूँ गाइज वो किस वाले आइलैंड पर है। ओके, तो वो थॉर जो है जब जैसे उसकी बाइक चोरी हुई वो डर गया भाई, फुल एकदम खौफ में आ गया और उसने जो अपनी नई गाड़ी खरीदी उसी को बचाने के लिए उसने एवेंजर्स का घर पूरा का पूरा छोड़ दिया। और वो देखो वो सामने की तरफ, क्या तुम लोगों को आइलैंड दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ मैं। तो क्या अब वो सामने की तरफ तुम लोगों को आइलैंड दिख रहा है? यस, ऑब्वियसली इसी वाले आइलैंड पर थॉर जाके छुप गया है। तुम लोगों को नहीं यकीन हो रहा, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ अपने कैमरे से जूम करके। लेट्स जूम इन, वो गाड़ी दिख रही है, वही तो है थॉर की गाड़ी और बहुत ही तगड़ी गाड़ी है गाइस। मैंने बहुत तारीफें सुनी है, सब कहते हैं कि गाड़ी इतनी स्ट्रांग है कि वो भाई खुद को रिपेयर कर सकती है गाड़ी, और अगर वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराएगी तो सामने वाली गाड़ी पलट जाएगी भाई। एक्चुअली में ये गाड़ी जो है थॉर के हैमर से इंस्पायर्ड फुल उसने बनवाई है थॉर ने। थॉर का हैमर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, थॉर के अलावा कोई नहीं उठा पाएगा, ऐसा ऐसा कुछ तो सीन होता है उसके हैमर का। वैसे ही कुछ इस गाड़ी में है, ये गाड़ी बहुत ही पावरफुल है, सामने अगर किसी और गाड़ी से टकराएगी तो सामने वाली गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी बस, बट इसकी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आ गया मैं इसकी गाड़ी चुराने के लिए। बट देखो गाइस प्रॉब्लम यही है कि भाई रात अभी है नहीं और मैं रात को ही जाऊंगा इसकी गाड़ी चुराने के लिए। लेकिन रात को भी मैं पूरा अपना हुलिया हुलिया बदल के जाऊंगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसने मेरे को देख लिया तो भाई ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं इस ट्रेन को यूज़ करता हूँ और इस ट्रेन को लेकर निकलते हैं लॉस सैंटोस, हुलिया बदल के आते हैं आज रात को, लेट्स गो। हेलो हेलो एवरीवन, रात हो चुकी है और ज़रा एक बार मेरा लुक देखो भाई, मैंने नकली दाढ़ी लगाई है, मैंने सर ढकने के लिए, सर छुपाने के लिए मैंने एक साइकिल वाले हेलमेट का सहारा लिया है, साथ ही साथ मैंने चश्मे पहने हैं और अलग अलग टाइप के कपड़े पहने हैं भाई, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता थॉर मुझे कभी ज़िंदगी में भी पहचान सकता भाई। मैं खुद ही नहीं पहचान सकता इस हुलिये में खुद को। ओके, मेरी साइकिल यहीं पर पड़ी हुई है, मुझे लगा चोरी हो गई होगी रात तक, लेकिन नहीं, लॉस सैंटोस के लोग ईमानदार है भाई। अब चलते हैं, ओ तेरी सामने से फिर से ट्रेन आ रही है। हेलो ट्रेन, बाय बाय ट्रेन, मैं तो चला इधर से। ओके, तो अब चलते हैं गाइस जिस चीज़ के लिए मैंने इतना सब किया है, थॉर की गाड़ी चुराना। थॉर की बाइक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी लास्ट टाइम जब मैंने चुराई थी, अब देखते हैं थॉर की गाड़ी कितनी ज़्यादा तगड़ी है। वैसे यार उस आइलैंड तक जाने के लिए भाई मुझे बोट वोट का यूज़ करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो मान लो मैं चला गया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मछली वछली शार्क वाक का खतरा हो सकता है पानी के अंदर। वैसे भी ये पूरा समुद्र वाला है इलाका, तो यहाँ शार्क और जंगली मछलियाँ कह रहा हूँ, खतरनाक मछलियाँ तो होंगी भाई, इसलिए मुझे बोट चाहिए होगी गाइस। और बोट मुझे पता है उधर आगे की तरफ से मिल जाएगी, लाइट हाउस की तरफ से। वो देखो, बल्कि मुझे एक तो यहीं से ही नज़र आ रही है वो येलो कलर की जेट्स की। एक काम करते हैं, फटाफट से उस पार चलते हैं और उस जेट्सकी का यूज़ करते हैं, लेट्स गो। हेलो एवरीवन, आ चुका हूँ मैं इस पार। ओके, अरे 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 क्या कर रहा हूँ मैं, साइकिल को यहीं रोको भाई, चलो पैदल ही चलते हैं। ओके, यहाँ से शॉर्टकट, भाई हम शॉर्टकट लेते हैं, हम सीढ़ियों से नहीं जाते। इधर से शॉर्टकट, बस आ गए नीचे, वो रही बढ़िया सी जेट्सकी। चलो भाई जेट्सकी पकड़ते हैं और निकलते हैं सीधे उस आइलैंड की तरफ चुपके से। थॉर ने नोटिस कर दिया भाई, हथौड़े से बिजलियाँ बरसा देगा मेरे ऊपर, मेरे को ऐसे पंगे नहीं चाहिए बेमतलब के। लेकिन यार उधर से गाड़ी कैसे लेके आऊँगा, ये सोचने वाली बात है। हैं भाई, देखना पड़ेगा गाइस। फिलहाल आ चुके हैं इस तरफ, बोट को छोड़ो इधर साइड में। ओ तेरी, ये क्या है, क्या कर रहा है भाई थॉर, थॉर कर रहा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्या है, चिंगारियाँ सी क्यों निकल रही हैं इतनी, क्या कर रहा है थॉर, कर क्या रहा है यहाँ पे।
ओ उसकी गाड़ी से आ रही है ये चमक इतनी। उतरी है तो आंखें ही फोड़ देगी भाई। थॉर कहाँ है? जरा एक बार थॉर दिख जाए फिर मैं गाड़ी चुरा के निकल लूँ। पूरा थॉर कर क्या रहा है? फोन चला रहा है आई गेस मे बी शायद। एक सेकेंड आराम से। यप 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 फोन चला रहा है वो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जल्दी 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 उसकी गाड़ी में बैठते हैं। भाई क्या तगड़ी गाड़ी है यार। लेकिन रात को नहीं पता चल रहा, दिन में पता चलेगी गाड़ी कितनी तगड़ी है। फिलहाल यार चुपके से चुपके से चुपके से। अभी मैं लेकर कैसे जाऊँ उस पार? पता नहीं, जंप करवा देता हूँ। भागो 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 भागो। पानी के अंदर पानी के अंदर पानी के अंदर। भाई साहब पानी के अंदर बूस्ट एक्टिवेट हो गया। वेट व्हाट? पानी के अंदर इसका बूस्ट एक्टिवेट हो गया भाई। हेलो, अरे पानी के अंदर इसका तो बूस्ट एक्टिवेट हो गया और बूस्ट की हेल्प से बाहर आ गए हैं। और मेरे पीछे पुलिस भी पड़ चुकी है। नहीं 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 नहीं, जल्दी 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 जल्दी। अरे पुलिस वालों छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने बस थॉर की गाड़ी चुराई है। इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी? अरे गाइस यार मैं पुलिस वालों से जल्दी से पीछे छुड़ाता हूँ भाई। ओके ओके ओके। अरे मेरी गाड़ी कहाँ झाड़ियों में अटक गई? कम ऑन कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। ओके बूस्ट अभी भी एक्टिवेटेड है। नाइस यार। ओके इसकी इसकी गाड़ी की तो ये पावर थी ना भाई, ये सामने वाली गाड़ी को उड़ा देगी। टक्कर मारते हैं किसी में जोरदार। ओके लेट्स ट्राई। सामने एक गाड़ी जा रही है, इसको टक्कर मारते हैं। रुको भाई। ओके कुछ हुआ? पता नहीं। ओ तेरी, ओए ओए ओए, हो तो रहा है गाइस डेफिनेटली। ये देखो, ओ तेरी भाई, टच करते ही गाड़ी गई। और थॉर की इस गाड़ी के अंदर पावर्स तो डेफिनेटली है भाई, टच करते ही गाड़ियां उड़ रही हैं। ओह कितनी तगड़ी गाड़ी है भाई ये थॉर की। अभी तक जितनी भी एवेंजर्स की गाड़ी चुराई है आई गेस सबसे तगड़ी गाड़ी तो यही है भाई। हल्के से टच से गाड़ियां उड़ रही हैं। सिर्फ हल्का सा मैं टच कर रहा हूँ, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ टच। ये टच किया गाड़ी उड़ गई। इतनी पावरफुल है ही इसकी गाड़ी, बिल्कुल थॉर के हैमर की तरह है। थॉर का हैमर कैसा है भाई? हल्का सा लग जाए किसी को बंदा उठे ही ना। वैसी इस गाड़ी का सीन है, ये गाड़ी हल्की सी लग क्या जाए किसी को वो गाड़ी दोबारा बचे ही ना। कोई बात होती है, स्वेट वालों की वहन भी उड़ गई। भाई 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 तबाही तबाही है ये तो। मैं तो हाईवे पर इसे बिंदास लेके भगाता हुआ निकल सकता हूँ यार। किसी गाड़ी से भी छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हुआ, सामने वाली गाड़ी का सब कुछ बिगड़ेगा ना कि मेरा। तेरी आ जाओ पुलिस वालों, अब जरा दमे तो भिड़ो मुझसे। भिड़ो 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 भाई, जरा भिड़ो तो सही। हेलो सर, हाउ आर यू? हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो आप लोग सबके सब? कैसी चल रही है जिंदगी? अरे निकलते हैं यार इन पुलिस वालों से बचने की कोशिश करते हैं जल्दी से। मैं मिलता हूँ गाइस तुम लोगों से सुबह। भाई साहब सुबह हो चुकी है गाइस, लेकिन अभी तक स्टिल इन पुलिस वालों ने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। लेकिन मैं जरा थॉर की गाड़ी तुम लोगों को दिखाता हूँ। एक बार इस गाड़ी को देखो, कितनी बेहतरीन है, कितनी ब्यूटीफुल है हर तरफ से, आगे से पीछे से। ये जो फायर वाले डिजाइन बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही डिजाइन बना हुआ है भाई। ये गाड़ी लिटरली में फायर है, हर चीज टच करते ही ब्लास्ट हो रही है। सिर्फ टच से, सिर्फ और सिर्फ हल्के फुल्के टच से भाई सामने वाली गाड़ी के चीथड़े उड़ रहे हैं। कोई बात होती है ये? सामने ये देखो, स्वेट वालों की वैन आई, ये भी उड़ा दी मैंने। ओ भाई उधर देखो, एक बंदा बाइक पे जा रहा है। बाइक ठीक है, बाइक है सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ एक बाइक है। हेलो नहीं, स्कूटर था, वो भी उड़ गया टच से। यहाँ एक ट्रक आया, वो टच करने से पहले उड़ गया। क्या ही सीन है भाई। जो भी हो अबे यार, एक तो ये पुलिस वाले मान नहीं रहे, पीछा ही नहीं छोड़ रहे भाई मेरा। कब से पीछा छुड़वा रहा हूँ, सुबह हो गई है भाई, पीछे छुड़वाते छुड़वाते। मैं काम करता हूँ, फाइनली मिलता हूँ गाइस तुम लोगों से इनसे पीछा छुड़वाने के बाद। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा यार इन पुलिस वालों ने। पता नहीं मैं कहाँ ही आ गया भाई, इधर भी आ रहे हैं क्या ये लोग? बस भी करो यार। नहीं नहीं किसी और के पीछे पड़े हैं। अरे नहीं मेरे पीछे नहीं, वो किसी और के पीछे पड़े हैं, वो तेरे बाहर। हाँ हाँ किसी और से लड़ रहे हैं। ओह मैं तो सोचा मेरे ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। जाने दो जाने दो इन पुलिस वालों को, जाने दो। या फिर रुको यार इनकी भी गाड़ी उड़ा के आता हूँ। रुको 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 रुको। हेलो भाइयों कैसे हो तुम लोग? पुलिस वालों तुम्हारी भी गाड़ी उड़ा दी मैंने। ओके फाइनली गाइस पुलिस वालों ने मेरा पीछा तो छोड़ दिया है। और एक बार तुम लोग ये गाड़ी देखो थॉर की कितनी बेहतरीन है। फिलहाल मुझे लग रहा था यार ये पुलिस वाले तो सीधे अगले साल ही पीछा छोड़ेंगे। और एक सेकेंड, इन लोगों ने सच में ही अगले साल ही पीछा छोड़ा है। नया साल आ चुका हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर तुम लोगों को। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। अब ये थॉर की गाड़ी छुपाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, कुछ सेफ सी जगह तो ढूंढ लूंगा। लेकिन वो जगह भी तो भाई
अलग होनी चाहिए। मान लो वहां पर भी, मान लो हाईवे के बगल में मैंने जगह ढूंढी, मेरी गाड़ियां उनसे ठुकती रही, उस हाईवे से कभी गाड़ियां ही नहीं निकल पाएंगी। कोई अलग ही सेफ जगह जिधर आजू बाजू कोई और गाड़ी ना हो, वरना तो देखो ये ट्रक जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल है ट्रक, कोई दिक्कत नहीं उस ट्रक को, ठीक है। अब मान लो ये गाड़ी है, टच करके उड़ा दी मैंने, सामने वो ट्रक जा रहा है, अरे कहाँ गया वो ट्रक, वो रहा, देखो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट हल्के से टच से भाई वो ट्रक गया, ब्लास्ट है भाई ब्लास्ट, सिर्फ टच भाई, यही तो स्पेशलिटी है थॉर की गाड़ी की, सिर्फ टच करने से ही चीजें उड़ रही हैं भाई। इसको यहाँ पर रखना आएगा, सेफ रहेगा आई गेस। हाँ गाइस, ये जगह जो है ट्रेन वाला इलाका, यहाँ पर सेफ रहेगा भाई, यहीं पर रखेंगे इसे। यस यस यस, ये बिल्कुल एकदम सेफ है गाइस, यहाँ पर कुछ भी पंगे नहीं होने वाले हैं, कोई गाड़ी वाड़ी आती जाती है नहीं, यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी निकलती है यहाँ से, तो ये एकदम बेस्ट लोकेशन है इस गाड़ी के लिए। पुलिस वाले फिर पीछे पड़ गए क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं पीछे पड़ा है। तो गाइस यार, तुम लोगों को आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और थॉर की ये स्पेशल कार कैसी लगी कमेंट में जाकर बताना, और अभी तक किस एवेंजर की गाड़ी तुम्हें सबसे बेस्ट लगी है ये भी बता दो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।